हेलो, हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि गरीबी को नापा कैसे जाता है, कैसे हमें डिसाइड करेंगे कि कौन गरीब है कौन नहीं है गरीब, इसको इसका डिसीजन कैसे होगा, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात आती है कि कितने गरीब हैं हमारे देश में, कहाँ कहाँ पर हैं, गरीबी पहले कितनी थी अभी कितनी रह गई, इसकी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर बताता कौन है ऐसा संस्थान जो बताता है, तो नीति आयोग है हमारा। क्या है? नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग में अब हमें ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर पता चलता है कि कितने देश में गरीब हैं। और नीति आयोग को ये डेटा कौन देता है? तो डेटा आप समझते हैं कि ये जानकारी कौन उठा करके दे रहा है। इसमें एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता था जिसका मैंने पिछले वीडियो में भी नाम बताया था, जिसको हम लोग बोलते हैं NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये इसका पहले नाम था, अब इसका नाम बदल करके हो गया है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसी का जो हिंदी में नाम था वो था राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये इसका नाम हुआ करता था। और इसका नाम बदल करके हो गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और ये बहुत ही ज्यादा सम्माननीय संस्था है, जितने भी हमारे देश में सांख्यिकीविद हैं, जैसे कि हम लोगों ने महालनोबिस साहब की बात की थी, और आज के जो भी सांख्यिकीविद हैं, इसी में जो सबसे प्रमुख अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीफ स्टैटिस्टिशियन का काम क्या रहता है कि पूरे देश में सरकार के लिए कौन कौन सा डेटा आवश्यक है उसकी पूरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो उनके ऊपर रहती है आधिकारिक तौर पर। तो ये क्या करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके नाम में आता है सर्वेक्षण। तो ये लोग सर्वेक्षण कंडक्ट कराते हैं, सर्वेक्षण करवाते हैं। सर्वेक्षण करवाने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग जगह पर सैंपल लेते हैं। सैंपल मतलब क्या होता है? प्रतिदर्श ले लिया, एक नमूना ले लिया किसी जनसंख्या का, और किस तरह की जानकारी उठानी है वो जानकारी की ये लोग बात करते हैं। तो यहां से मिलता है डेटा, और डेटा किसको मिलता है ये डेटा? नीति आयोग को। और नीति आयोग हमें गरीब, कितने लोग गरीब हैं देश में, कहां पर हैं, क्या है स्थिति है, उसका हमें आधिकारिक तौर पर आंकड़े दे रही होती है। तो हमारी किताब में जो भी दिया गया है वो थोड़ा पुराना डेटा है, 1973-74 में कैसी स्थिति थी, फिर 2011-12 में कैसी स्थिति हो गई, इसकी बात की गई है। तो वो बात हम लोग करके देख लेते हैं कि हमारी किताब में क्या है, और उसको डायरेक्टली अच्छा रहेगा कि क्योंकि ग्राफ बना हुआ है तो वो ग्राफ आपको डायरेक्टली ठीक से तब समझ में आएगा जब मैं उसी ग्राफ के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए उसको करते हैं। हमारी किताब में कुल दो चार्ट दे रखे हैं ये, और इन चार्ट्स में किस तरह से निर्धनता कहाँ कहाँ पर रही है, पहले कैसी थी अभी कैसी है, उसकी बात की गई है। तो आप सबसे पहले ये देखिए, ये जो लाइन आ रही है ये है 55% की लाइन। बहुत ही दुख की बात है कि 1973-74 के समय हमारे देश में लगभग 55% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती थी, लेकिन थोड़ी सी खुशी की बात है कि 2011-12 आते तक ये जो लाइन थी वो 22% पर आ जाती है। इसका मतलब औसतन पूरे देश में 22% लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, जो बहुत खुशी की बात नहीं है, लेकिन जो काफ़ी कमी आई है वो बहुत अच्छी है। अब ये कमी कितनी सही है कितनी खराब है इसको लेकर अर्थशास्त्रियों में मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि लगभग 33% गरीबों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन करते थे उनको ऊपर ला दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप कुल संख्या के हिसाब से देखेंगे तो करीब 32 करोड़ ऐसे लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे 1973-74 में, और उसके बाद उन लोगों की संख्या मात्र 27 करोड़ तक ही नीचे कम हो पाई। मतलब बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है, कमी कितनी की आई है? 5 करोड़ लोगों की आई है। अगर आप गरीबों की संख्या में बात करोगे तो आप कहेंगे 32 करोड़ से 27 करोड़ जा रहे हैं तो इतनी 33% की कमी कहाँ आ रही है? अरे भाई, वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि साथ में जनसंख्या भी देश की बढ़ गई ना, तो देश की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई और गरीब कम हो गए, तो इस वजह से जो प्रतिशतता है उसमें हमें बहुत बड़ी गिरावट दिखाई पड़ती है। अच्छा, तो अब दूसरी बात आती है कि कौन कौन से ऐसे राज्य थे जहां पर हालत बहुत खराब हुआ करती थी। तो देश का जो औसत है वो 55% है, तो 55% से ज्यादा या उसके आसपास वाले राज्यों को हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 62% बिहार, उसके बाद 54% लगभग बराबर है देश के औसत से कर्नाटक, फिर 62% में मध्य प्रदेश, उसके बाद 66% पर है ओडिशा, और उसके बाद फिर 55% पर आता है तमिलनाडु, 57% पर आपका उत्तर प्रदेश, और 63% पर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर भी आप एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े राज्य, बिहार भी बहुत बड़ा राज्य है, कर्नाटक भी बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश भी बड़ा राज्य है, ओडिशा भी बड़ा राज्य है, और तमिलनाडु भी बड़ा राज्य है, और साथ में उत्तर प्रदेश तो देश का सबसे बड़ा राज्य है जब जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करेंगे, और पश्चिम बंगाल भी काफ़ी बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े राज्यों में महाराष्ट्र की भी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, 53% की है। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि देश के जो भी छोटे राज्य हुआ करते थे उनकी स्थिति
औसतन अच्छी रही होगी। क्यों? क्योंकि देश के बहुत सारे बड़े बड़े राज्यों की जो स्थिति है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के मामले में, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे। अब इसमें हम ये देखते हैं कि किन किन राज्यों ने काम अच्छा किया है, मतलब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर गरीबों की संख्या में काफ़ी बड़ी कमी आई है। तो देखिए सबसे पहले हमें दिख जाते हैं आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये जो आंध्र, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आंध्र नहीं है सिर्फ, आंध्र के साथ साथ तेलंगाना की बात भी हो रही है। क्यों? क्योंकि उस समय पर इस तरह का जो प्रादेशिक विभाजन है वो था नहीं। और साथ में यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड, बिहार के साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है ना वो मध्य प्रदेश के साथ उसके जो आंकड़े हैं वो शामिल हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पर दोनों ये जो प्रदेश हैं वो अलग अलग नहीं हुआ करते थे, सन 2000 में जाकर के ये अलग हुए थे। तो अभी हम लोगों को एक तो हमें दिख रहा है कि आंध्र ने बहुत अच्छा काम किया, दूसरा देखिए 66% पर था उड़ीसा और 36% पर आ गया, तो यहाँ पर 30% की गिरावट हुई है। अच्छी गिरावट है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी कि आप ये देखिए सबसे अच्छा काम यहाँ पे पश्चिम बंगाल का दिख रहा है, 40% की गिरावट आ गई है। यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनकी संख्या में बहुत ही बड़ी गिरावट लेकर के आया है। और साथ में तमिलनाडु में आप देखेंगे जो 55% से 16% पर आ गया, कहाँ पर? 16% पर, यानी कि 39% की गिरावट है। कितने की गिरावट है? 39% की। तो ये गिरावट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इस हिसाब से आपको दिख जाएगा कि तमिलनाडु, आंध्र यानी कि आज का आंध्र और तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों ने बहुत ही शानदार काम किया है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को उस रेखा से ऊपर लाने में। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि आज की जो स्थिति है उसमें कौन से ऐसे ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। तो देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर ओडिशा की हालत बहुत खराब चल रही थी, और आज भी जो 22% का औसत है ये 22% वाली लाइन का इसके ऊपर देखेंगे तो हमें ओडिशा मिल रहा है और साथ में मध्य प्रदेश मिल रहा है देखिए, और फिर हमें बिहार मिल रहा है और साथ में यूपी उतना खराब नहीं है लेकिन 30% की स्थिति है। तो गरीबों की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश की बात हो गई, ओडिशा की बात हो गई, बिहार की बात हो गई और उत्तर प्रदेश की बात हो गई। उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश की बात इसलिए थोड़ी सी दुखदायी होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है ना पूरे देश का 1/6 हिस्सा है लगभग जनसंख्या के दृष्टिकोण से। 2011 और 2012 में उत्तर प्रदेश की जो जनगणना थी वो 19.95 करोड़ बताती है, लगभग 20 करोड़ लोग हो गए और 20 करोड़ में 30% लोग गरीब है। इसका मतलब क्या हो गया कि 6 करोड़ जो देश के गरीब है वो अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और इस वजह से उत्तर प्रदेश को जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर अगर कमी आती तो पूरे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है। तो आप लोगों ने क्या देखा अभी तक, क्या समझा हम लोगों ने? हम लोगों ने ये समझा कि अभी भी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को बहुत ही ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। आप अगर हमारा जो राष्ट्रीय औसत है उसके ऊपर देखेंगे तो अभी भी महाराष्ट्र आता है और महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक भी आ रहा है और साथ में 23% पर हमारा पश्चिम बंगाल भी आ रहा है। तो ये राज्य भी ऐसे हैं जहाँ पर राष्ट्रीय औसत से अधिक लोग गरीब हैं। अच्छा, दूसरा ग्राफ क्या था? तो दूसरा हमारे यहाँ पर ग्राफ दे रखा है हमारी बुक में, वो है ये। इसमें हम लोग ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के गरीबों की स्थिति कैसी रही है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें समझिएगा, ये जो पहला ग्राफ है यहाँ पर संख्या की बात की गई है और दूसरा है उसमें प्रतिशतता की बात की गई कि कुल जनसंख्या के अनुपात में कितने प्रतिशत लोग हैं जो गरीब थे और अब हैं। तो पहले देखिए, पहले यहाँ पर जो मेन रुझान आ रहा है ग्रामीण क्षेत्र में वो घटता जा रहा है धीरे धीरे करके, फिर अचानक से बढ़ जाता है। यानी कि 1993 से लेकर के 2004-05 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है वो देश में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के लिए काफ़ी खतरनाक या काफ़ी नुकसानदायक रहा है क्योंकि यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ गई है और उसके बाद से फिर से गिरना स्टार्ट हुई। तो ये जो 10 वर्ष है यहाँ पर क्यों नहीं अच्छा हुआ, इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन एक कारण जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई की है उससे हमें क्या समझ में आ सकता है कि 1991 के बाद के जो भी आर्थिक सुधार थे हमारे देश में उसमें कृषि को कुछ बहुत कुछ दिया नहीं गया था और जो कृषि को ऐतिहासिक दृष्टि से देते आ रहे थे उसमें भी काफ़ी कमी हो गई थी। जो आधारिक संरचना है, सिंचाई व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दी जा रही थी वो नहीं दी गई। और क्योंकि कृषि का सीधा संबंध गाँव से होता है इसलिए गाँव में फिर से एक बार हमें नेगेटिव डायरेक्शन में चीज़ें जाती हुई दिखी, नकारात्मक दिशा में चीज़ें जाती हुई दिखी। लेकिन वहीं पर आप अगर शहरों को देखें तो लगभग शहरों में गरीबों की संख्या है वो कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं हुई है। पहले देखिए 50 है और ये लाखों की बात की जा रही है ना, कितने लाखों की है अब ये यहाँ पर पूरा इस तरह से स्पष्ट इन्होंने नहीं किया हुआ है। लेकिन उसके बाद अगर ये सिर्फ 1 लाख के हिसाब से तो 50 लाख गरीब हो जाएंगे जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 10 लाख के टर्म्स में लिखना चाहिए था। एनीवेज उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी के लिए आप समझिए कि जो कुल संख्या थी वो लगभग उतनी ही रही है और थोड़ी सी स्टार्टिंग से बाद में थोड़ी सी गिर ही गई है। तो शहरों के क्षेत्र में कोई अगर आप प्रतिशतता की बात करेंगे तो वहाँ पर भी गिरावट बहुत ही अच्छी हुई है। देखिए ये आपको दिख रहा है कि पहले 50% के आसपास गरीब हैं
और होते 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 कहाँ तक पहुँच जाते हैं, लगभग लगभग 14% के आसपास दिख रहा है, 13 या 14% है, मान लीजिए हमने 14% मान लिया, जो कि 1973-74 में लगभग 50% के आसपास हुआ करता था। तो शहरी क्षेत्रों में गरीबों की स्थिति का जो अनुपात है वो बहुत तेजी से नीचे आया है। और ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में 60% तो नहीं है, लेकिन ये करीब करीब 56-57% दिख रहा है। तो 56% अगर मान लिया, उसके बाद आज की जो स्थिति है वो देखिए कहाँ पर है, वो लगभग लगभग आपको 26% के आसपास लेकर के आ रही है। तो 30% की गिरावट हुई है, लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, वही जो 1993-94 से लेकर के 2004 और 2005 के बीच का जो समय है, यहाँ पर फिर से जो गिरावट आ रही थी वो गिरावट आने के बजाय दिशा उल्टी हो गई थी, फिर से गरीबों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये एक दूसरा ट्रेंड है। अच्छा, अब इसमें एक चीज आप नोटिस करिएगा कि शहरी क्षेत्र में जो भी गरीब हैं, कुल संख्या उनकी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, लगभग लगभग थोड़ी थोड़ी कम होती आई है, और ग्रामीण क्षेत्र में भी कम हुई है। स्टार्टिंग से देखेंगे, ये पहले थी और ये बाद में आ गई, बाद में लगभग लगभग ये देखिए, और पहले 250 जो यहाँ पर दे रखा है उससे ऊपर है, और नीचे बाद में आकर के थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि पहले गाँव में जितने गरीब हैं और शहर में जितने गरीब हैं, उनके बीच का जो अंतर है थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा था। देखिए 1993-94 तक कम हुआ है, फिर अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, 2004-05 के अंत तक आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फिर थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी भी जो प्रारंभ में गांव और शहर में जो गरीबों के बीच के अनुपात प्रतिशतता में अंतर था, वो जितना हुआ करता था उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। कैसी बात है? दुख की बात है। और ये हमें दिखा रहा है कि अब भारत को अपने क्षेत्र में, अपने देश में गाँवों के प्रति जो गरीब हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो अब हम लोग इसी चैप्टर की आगे बात करेंगे, अपने बोर्ड पर जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो चलते हैं वापस। तो हम लोगों ने देखा कि जो भी अभी आपको चार्ट पर दिखा कि किस तरह से भारत में जो गरीबी है वो कम हुई, मोटी मोटी जो बात है वो ऐसा है कि 1973 और 74 में भारत में जो गरीबों की संख्या थी वो 32 करोड़ से भी ज़्यादा थी। कितनी थी? 32 करोड़ से भी ज़्यादा। और 2011 में ये संख्या कितनी हो जाती है? 27 करोड़, है ना। तो आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा गरीबी कहाँ घटी? 5 ही करोड़ तो घटी है। कितनी? 5 ही करोड़ गरीब कम हुए हैं। लेकिन इसी को जो हम लोग देश की कितनी आबादी प्रतिशत के रूप में देखते हैं, तो उस समय 55% लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे थे, और 2011 में वो संख्या 22% हो जाती है। तो अगर आप प्रतिशत के टर्म्स में देख रहे हो तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट आ गई है, ये हम लोगों ने बात की। लेकिन इसको लेकर के बहुत सारे संशय चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? संशय। बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, एक देवेंद्र शर्मा नाम के अर्थशास्त्री हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा खेती की जानकारी रखते हैं, बहुत सारे अखबारों में उनके आर्टिकल्स आते रहते हैं, मैं छोटा था तब से उनके आर्टिकल्स देख रहा हूँ। तो वो और उनके जैसे बहुत सारे शास्त्री बोलते हैं कि ये जो गरीबी के आंकड़े निकाले आते हैं ना, ये सरकार देती है। कौन देती है? सरकार। और सरकार, क्योंकि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है और लोग वोट करते हैं तब कोई पार्टी जीत करके आती है और वो सरकार चलाती है, तो कई बार वो लोग इन सारे आंकड़ों में हेराफेरी करते हैं, और हर स्तर पर हेराफेरी की जाती है। कैसे? सबसे पहले तो गरीबी की जो परिभाषा है, आपने देखा ही था कि भाई 27 रुपए कमा रहे हो रोज तो गरीब नहीं हो, 32 रुपए कमा रहे हो रोज तो गरीब नहीं हो, है ना, इस तरह का। तो उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा संशय आ जाता है, पहली बात। फिर दूसरी बात है कि वो डेटा आ कहां से रहा है, ये जानकारी कहां से आ रही है। मान लीजिए आपने अलग अलग क्षेत्रों में जानकारी उठाई और सारे देश की बजाय कुछ ऐसे नमूने उठा लिए जहां से पहले से ही हमें डिस्टॉर्टेड पिक्चर मिल रही हो। डिस्टॉर्टेड मतलब जो हमें आंकड़े हैं वो वास्तविक जो स्थिति है वो ना बता पा रही हो। तीसरी चीज ये लोग बोलते हैं कि कौन गरीब है कौन नहीं है, और उसमें एक जो टोकरी बनाते हैं, जो हम बास्केट बनाते हैं कि हर इंसान को ये सामान चाहिए, वो सामान कौन कौन सा होगा अगर आप उसको ही देख लो, वहां से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये लोग जानबूझ करके ऐसी टोकरी बनाते हैं कि लोग गरीब ना दिखें, है ना। तो उन लोगों का ये कहना है कि गरीबी रेखा की परिभाषा, फिर टोकरी में क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद से अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से हम लोग सैंपल्स या नमूने सेलेक्ट कर रहे हैं वो, और उसके बाद से भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो, इन सारे में अनुमान ही लगा रहा है, कोई एग्जैक्टली तो पता नहीं किसी को, तो उसमें बहुत हेराफेरी हो रही है। और इसलिए ये जो पिक्चर है वो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जानबूझ करके सरकार अच्छी कर देती है। और यहां पर आपको एक बात अच्छी पता चलेगी, ये बहुत बड़ी खासियत है हमारे देश में, एनसीईआरटी है, क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर इकोनॉमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसी की किताब हम लोग बहुत सारे पाठ्यक्रम में चलती है, और इसी को आधार बना करके हम लोग ये वीडियोस भी बना रहे हैं। जो हमारा मेन सिलेबस है वो सीबीएसई से देखा हुआ है, लेकिन हम लोग अपने वीडियोस में इस किताब को भी पढ़ करके ये वीडियो बनाते हैं। तो ये संस्था वास्तव में हमारे सरकार की संस्था है, और हमारे देश में ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की जो चीजें हैं, जो इस तरह के संस्थान है, उनको आजादी से सरकार का ही क्रिटिसिज्म, सरकार की ही बुराई करने का अधिकार है, और ये लोकतंत्र की ताकत है। हमारे यहां पर ये किताब सरकार की संस्था है,
और वही लिख करके बता रही है कि सरकार जो जो कर रही है उसको बहुत सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये गलत है, ये झूठ है ना। तो ये बहुत खूबसूरती की बात है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए कि जो आंकड़े हैं उन पर बहुत सारे प्रश्न भी उठे हुए हैं, लेकिन अगर फिर भी हमें जो आधिकारिक रूप से आंकड़े मिल रहे हैं उसमें हम लोगों ने काफी ज्यादा प्रगति की है। गरीबों को पूरी जनसंख्या के अनुपात के रूप में देखेंगे उसमें नीचे लाने में, बाकी जो कमियां रह गई थी वो हम लोगों ने उसी अपने वीडियो में जब हम लोग ग्राफ चार्ट के साथ समझा था तो वहां पर आपको समझा दिया था मैंने, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि गरीबी, हम लोगों ने समझ लिया कि गरीबी क्या है, कब किसको गरीबी कहा जाता है, फिर कैसे गरीबी नापी जाती है, फिर ये देख लिया कि भारत में कैसी कैसी गरीबी है, किन किन क्षेत्रों में है और उसमें से कौन कौन सी चीजें अच्छी हुई, कौन कौन सी चीजें अच्छी नहीं हुई। अब ये देखेंगे कि गरीबी है तो क्यों है, भारत में इतनी गरीबी आखिर है, दुनिया के लगभग लगभग एक चौथाई जो गरीब भारत में रह रहे हैं तो वो क्यों रह रहे हैं, उसके क्या कारण है, वो समझेंगे अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।